हाय, जय माता दी, दिस इज़ कविता। आज हम बनाएंगे सिंधी स्पेशल बिस्किट कोकी। ये मैंने अपनी सास से सीखी है एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। सिंधी स्पेशल कोकी है ये, और इसको बिस्किट नाम इसके लिए दिया गया क्योंकि ये ऐसे कुरकुरी रहती है बिस्किट जैसी। इसके लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, घी, नमक, दूध, काली मिर्ची। पहले हमने इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है। एक बॉल लेना है, उसमें एक गेहूं का आटा डाल के नमक और घी को और काली मिर्ची को अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स अच्छे से होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। और उसके बाद हमने इसमें दूध से इसका आटा गूंदना है, पानी नहीं यूज़ करना है। और इसका आटा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा हार्ड रहेगा तो अच्छा है, पर ज़्यादा हार्ड नहीं रहना चाहिए। उसके गोले बना के उसको तवे पे दोनों बाजू से थोड़ा सेक लेने हैं। उसको सेकने के बाद उसको बेल लेना है और ऐसी शेप दे देनी है। उसको फिर हमने वापस तवे पे सेकना है। स्लो पे इसको सेका जाता है क्योंकि ये अंदर से पकना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक रहता है। दोनों बाजू से अच्छे से सेक लेना है। अभी आपको इसके ऊपर तेल नहीं लगाना है क्योंकि हमने इसमें अंदर तेल ऑलरेडी डाल दिया है, और घी यूज़ करना है इसके लिए। दोनों बाजू से सेकने के बाद ये बहुत सी अच्छी प्यारी सी उसकी लुक आ जाएगी, और इसे आप निकाल दीजिए। इसको हम खाते हैं दही के साथ, पापड़ के साथ, और चाय कोकी भी खाते हैं। जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे खा सकते हैं। सो हेयर इट इज़ यमी दही कोकी, और कोकी चाय इज़ रेडी टू ईट। इट्स वेरी यमी, एटलीस्ट ट्राई वंस यू ट्राई एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट। और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पे कॉर्नर पे सब्सक्राइब का है बटन, उसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन भी क्लिक कीजिए। लाइक कीजिए इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डिशेस एंड मोटिवेटिंग मी। इट्स कविता, विल बी बैक सून विथ न्यू डिश। जय माता दी, इन्जॉय।